हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मल्टीटास्क वर्क और भर्ती से रिलेटेड एक नई अपडेट। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिला सिरमौर के धारतीधार इलाके के राजकीय माध्यमिक पाठशाला भांबी भनोट में सोमवार को बच्चे और शिक्षक मुख्य गेट के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। अब इसका कारण क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। सुबह 9 बजे से पहले बच्चे और शिक्षक स्कूल पहुंच गए थे। दरअसल स्कूल के लिए भूमि दान करने वाले व्यक्ति ने मल्टीटास्क वर्कर की नौकरी न मिलने पर मुख्य गेट को तार बार लगाकर बंद कर दिया था। तो सिरमौर की ये दूसरी घटना है। पहले सिरमौर जिला के पौंटा साहिब में भी कुछ ऐसा ही किया गया था, जिसकी अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको दी गई थी। तो पौंटा साहिब के बाद अब धारतीधार इलाके में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। भूमि दानकर्ता का आरोप है कि मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती में उन्हें भूमि के अंक नहीं दिए गए। इससे खफा होकर परिवार ने भांबी बनोट स्कूल का रास्ता बंद कर दिया। करीब 2 दर्जन बच्चे और स्टाफ सुबह स्कूल के मुख्य द्वार पर ही बैठे रहे। संबंधित परिवार ने स्कूल की बाउंड्री को चारों तरफ से तार बार से बंद कर दिया था। सूचना मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर ने 3 सदस्यीय टीम बनाकर भेजी। फिलहाल बच्चों को एक कमरे में बिठा दिया गया है और भूमि दान करने वाले व्यक्ति से वार्ता चल रही है। 3 सदस्यीय टीम में BRCC यशपाल शर्मा, BEO नाहन महिमा दत्त और बिरला स्कूल के प्रधानाचार्य राजकुमार की 3 सदस्यीय टीम मौके पर भेजी। टीम की रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को फिलहाल एक कमरे में बिठाया गया है। भूमि दान करने वाले व्यक्ति से वार्ता चल रही है और राजस्व विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। दरअसल साल 2004 में इंद्र सिंह ने 28/20 भूमि भांबी बनोट स्कूल के नाम कर दी थी। मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए इंद्र सिंह की पुत्र वधु आशा देवी ने आवेदन किया था। परिणाम के दौरान भूमि दान के अंक न जुड़ने से खफा होकर परिवार ने रविवार देर रात को स्कूल के बाहर बाड़ लगाकर रास्ता बंद कर दिया। इससे स्कूल में अध्ययन करने वाले बच्चे और स्टाफ स्कूल के अंदर नहीं जा सके। भूमि दानकर्ता परिवार ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें भूमि दान के अंक नहीं दिए गए हैं। दोस्तों, इस केस में समस्या थोड़ी सी ये है कि भूमि जो है वो स्कूल के नाम दान कर दी गई है। अब उसके बाद स्कूल के चारों ओर बाड़ लगाकर रास्ता बंद करना सही है या नहीं है, इसका फैसला प्रशासन करेगा। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसकी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।